सबसे पहले बात अहम खबर की, अमेठी के अकबरगंज रेलवे स्टेशन पर अकाल तख्त एक्सप्रेस में बम मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में ट्रेन को स्टेशन पर रोका गया और बम निरोधक दस्ते ने हर कोच की तलाशी ली। हालांकि बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज कर दिया है, मगर दहशत अभी भी बरकरार है। आपको बता दें, ये बम ACB 3 कोच के शौचालय से बरामद हुआ है। ट्रेन कोलकाता से अमृतसर जा रही थी। बम वाली जगह से एक चिट्ठी भी बरामद हुई है, जिसमें लिखा है कि अबू दुजाना की मौत का बदला अब हिंदुस्तान को चुकाना पड़ेगा। वहीं सभी यात्रियों को ट्रेन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कोलकाता से अमृतसर जा रही अकाल तख्त एक्सप्रेस के शौचालय से बरामद हुआ है ये बम, जिसको डिफ्यूज कर दिया गया बम निरोधक दस्ते की तरफ से। हालांकि एक नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें लिखा है कि अबू दुजाना की मौत का बदला लेंगे। अकाल तख्त एक्सप्रेस में बम मिलने से हड़कंप मच गया, बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। आपको बता दें कि ट्रेन के ACB 3 कोच के शौचालय से बरामद हुआ यह बम, मौके पर फौरन बम निरोधक दस्ता पहुंचा और बम को डिफ्यूज किया गया, लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन अभी भी जो दहशत है वो बनी हुई है। हमारे यहाँ पे 1:17 पर गाड़ी संख्या 23-12-317 अब कंट्रोल के द्वारा सूचित किया गया कि इसमें B3 कोच में कुछ है, आप जाके इसको चेक करवाइए। हमने RPF, सिविल पुलिस और ये 100 नंबर और बाकी के हमने GRP लखनऊ हेडक्वार्टर हमने इन्फॉर्मेशन किया। लोकल पुलिस का पूरा बंदोबस्त पहुंचा, चेकिंग किया, BDS टीम ने भी उसको चेक किया। अब इनिशियल उसमें कुछ कह नहीं सकते कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। ये सूचना प्राप्त हुई थी GRP कंट्रोल को लगभग 2 बजे रात्रि में कि अकाल तख्त एक्सप्रेस जो कि कलकत्ता से अमृतसर जा रही थी, इसके B3 कोच में किसी पैसेंजर के द्वारा टॉयलेट में जाने पर टॉयलेट में एक पॉलीथीन के अंदर कोई बॉम्ब टाइप चीज़ रखी हुई है। उस सूचना पर ट्रेन के अधिकारियों को सूचित किया गया, रेलवे अधिकारियों को सूचित किया गया। तत्पश्चात ट्रेन को अकबरगंज स्टेशन पर लूप लाइन पर रोका गया। अब तक जो आप जानते हैं कि 12-317 जो अकाल तख्त एक्सप्रेस है, उसमें ये सूचना के आधार पर अकबरगंज रेलवे स्टेशन पर गाड़ी को रोका गया। B3 कोच के टॉयलेट में ये एक्सप्लोसिव मटेरियल बताया गया कि है, एक जार के अंदर है, जार के अंदर एक प्लास्टिक का कवर है उसका, और एक फ्यूज बाहर निकल रहा है जो कि जूट का मटेरियल है। अंदर प्रथम दृष्टया जो हमारी BDDS टीम सुबह पहुंची, प्रातः ही उसने उसको टेस्ट किया और उसमें एक्सप्लोसिव का ट्रेस आया है। अब वो क्रूड बॉम्ब भी हो सकता है और जो पटाखे में यूज किया जाता है वो भी हो सकता है, गन पाउडर भी हो सकता है। तो फिलहाल जो हमारा एक्सप्लोसिव डिटेक्शन किट है उसके आधार पर इतना ही अभी साबित हुआ है कि इट इज एन एक्सप्लोसिव मटेरियल। तो टेररिस्ट के निशाने पर किया ट्रेन, दरअसल बम बरामद हुआ है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, 3 तस्वीरें आपके सामने, अकाल तख्त एक्सप्रेस में AC B3 कोर्स से दरअसल शौचालय से बम बरामद हुआ, जिसको डिफ्यूज कर दिया गया है। साथ ही एक नोट भी मिला है यहां से, जिसमें कहा गया है कि दुजाना के का जो बदला है वो हिंदुस्तान से लेना होगा, दुजाना की मौत का बदला लिया जाएगा, इस तरह का नोट बरामद हुआ है। उस नोट को भी कब्जे में ले लिया गया। लेकिन सवाल ये, क्या ट्रेन को आतंकी निशाना बनाना चाहते थे? उधर बरेली में रेलवे ट्रैक से पेंडोल क्लिप चोरी होने का एक बड़ा मामला सामने आया है। क्लिप चोरी होने की खबर से रेल महकमे में हड़कंप मच गया। घटना बिशारतगंज रेलवे स्टेशन से रामगंगा स्टेशन के बीच की है, जहां चोरों ने रेल पटरियों में लगे 77 पेंडोल क्लिप गायब कर दिए। गनीमत यह रही कि वक्त रहते सभी क्लिप को लगवा दिया गया, अगर क्लिप नहीं लगे होते तो बड़ा रेल हादसा भी हो सकता था। वहीं वारदात के पीछे आतंकी साजिश की आशंका जताई जा रही है। क्लिप चोरी होने की वारदात उस वक्त हुई जब ADG रेलवे विजय मौर्य ट्रेनों में होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने के निर्देश दे रहे थे। तो सवाल ये, क्लिप चोरी होने के पीछे क्या कोई आतंकी साजिश है? 17 पेंडोल क्लिप चोरी हो गए, हालांकि वक्त रहते इन क्लिप्स को लगा दिया गया, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ध्यान नहीं जाता, सूचना नहीं मिली होती वक्त रहते, तो एक बड़ा रेल हादसा हो सकता था। तो क्या इसे भी एक आतंकी साजिश से जोड़कर देखा जा सकता है इस घटना को? एक तरफ अमेठी में अकाल तख्त एक्सप्रेस से AC B3 कोच के शौचालय से बम बरामद होना, और दूसरी तरफ बरेली में रेलवे ट्रैक से पेंडोल क्लिप का गायब होना, 77 पेंडोल क्लिप चोरी होने की खबर है। क्या ये दोनों ही घटनाएं आतंकी साजिश थी?
सवाल पैदा होता है। हालांकि इस घटना के सामने आने के बाद बरेली में जिस तरीके से रेलवे ट्रैक से पेंड्रोल क्लिप गायब हुए उसके बाद से हड़कंप मच गया। प्रशासन में विशारदगंज और रामगंगा स्टेशन के बीच ये क्लिप्स चोरी हुए। चलिए बढ़ते आगे। बलिया में मंगलवार को स्कूल जा रही 11वीं की छात्रा की दिन दहाड़े हुई हत्या से यूपी में कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बलिया में कुछ युवकों ने छेड़खानी करने के बाद बच्ची की हत्या कर दी। वारदात के बाद लोग सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे हैं कि अब उनका एंटी रोमियो स्क्वाड कहां है। दरअसल 11वीं की छात्रा रागिनी दुबे मंगलवार को अपनी बहन के साथ स्कूल जा रही थी। रास्ते में दबंगों ने छेड़छाड़ की और फिर बाइक से धक्का मारकर सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद बेरहमी से धारदार हथियार से गला रेतकर रागिनी की हत्या कर दी। आरोप गांव के प्रधान के बेटों और उसके दोस्तों पर है। परिवार का आरोप है कि आरोपियों की ओर से लगातार परिवार को धमकाया जा रहा है। पीड़ित की बहन आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रही है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया लेकिन प्रधान की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ये मामला इसलिए भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि पहले दबंगों की बदमाशी से परेशान होकर बच्ची ने स्कूल जाना छोड़ा था। बाद में प्रधान ने कहा था कि वो बच्चों को समझा देगा लेकिन मंगलवार को जब बच्ची स्कूल गई तो पहले छेड़छाड़ उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। तो 11वीं की छात्रा बताई जा रही रागिनी दुबे जो प्रधान के बेटे और उसके दोस्तों की छेड़छाड़ से परेशान थी उसने स्कूल जाना छोड़ा। परिवार की तरफ से लगातार शिकायत भी की गई। प्रधान ने कहा भी कि वो समझा लेगा लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब रागिनी ने स्कूल जाना शुरू किया तो फिर रास्ते में उसके साथ एक बार फिर से प्रधान के बेटे और उसके दोस्तों की तरफ से छेड़छाड़ हुई और उसके बाद छात्रा को मौत के घाट उतार दिया गया। अब पीड़ित की बहन इंसाफ की गुहार लगा रही है। बढ़ते आगे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। यूपी में पुलिस के जरिए वसूली हो रही है यह बड़ा आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एसपी जिला पंचायत सदस्यों को फंसाया जा रहा है जिन्हें जेल जाना चाहिए था वो बीजेपी में चले गए। अखिलेश यादव का ये बड़ा हमला योगी सरकार पर। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार ने डायल 100 का सत्यानाश कर दिया। कानून व्यवस्था की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। बलिया में जो कुछ हुआ वो गंभीर घटना है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार कह रही है कि कार्रवाई की लेकिन बेटी की जान चली गई। सरकार खुद मान रही है कि डायल 100 में करप्शन है लेकिन सरकार तो अब उनकी है। अपराध कहां कम हुआ, डकैती कहां कम हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे हाथ में अब पुलिस भी नहीं है। तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश यादव का यह बड़ा हमला योगी सरकार पर जिसमें उन्होंने सीधा सवाल उठाया कि अब पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, सिस्टम हमारे हाथ में नहीं है, अब कानून व्यवस्था पटरी पर क्यों नहीं है। बड़े बड़े एक्सपर्ट पुलिस विभाग के उन्होंने की, दिल्ली से वरिष्ठ अधिकारी आए उन्होंने उसकी तारीफ की। हालांकि मैं देश में नहीं था, मुझे जानकारी मिली अखबारों के माध्यम से कि प्रदेश के मुख्य सचिव ने भी तारीफ की, जहां पर देश के और लोग थे कि 100 नंबर सबसे बेहतरीन व्यवस्था दी है उत्तर प्रदेश को। और डिजिटल इंडिया की बात हो रही ना, आप कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें उसकी बात हो रही है, तो मैं तो जानना चाहता हूं 100 नंबर से बेहतरीन टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के अलावा किस प्रदेश सरकार ने इस्तेमाल की हो, उसका भी सत्यानाश कर दिया। चाहते कम से कम न्याय करिए, बोला न्याय होगा, तो अभी तक पता नहीं लगा कौन सा न्याय कैसे मिलता है। ये तो अधिकारी ही बता सकते कि क्या न्याय हो रहा होगा। और इतनी पुलिस के माध्यम से वसूली कभी नहीं होगी जितनी उत्तर प्रदेश में हो रही है। बढ़ते आगे। अब बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के मिशन पूर्वांचल की। मिशन पूर्वांचल पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का महाराजगंज दौरा, कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दलित बस्ती में भोजन भी करेंगे सीएम योगी। दोपहर में सिद्धार्थनगर के लिए रवाना होंगे। सीएम योगी का बहराइच दौरा हालांकि रद्द हो गया है। शुक्रवार को बाढ़ पीड़ितों को सीएम ने चेक वितरण करना था। सीएम के आगमन को लेकर हलकान के अधिकारी, कार्यक्रम रद्द होने से अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। नगर मजिस्ट्रेट प्रमिल कुमार ने दौरा रद्द होने की पुष्टि की है।
विकास कार्यों की भी समीक्षा कर रहे हैं। महाराजगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ, इससे पहले उन्होंने जनता दरबार लगाया था, लोगों की समस्याएं सुनी थी सुबह सुबह और अब समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही दोपहर को सिद्धार्थनगर के लिए रवाना होंगे। हालांकि जो बहराइच दौरा था सीएम योगी का मिशन पूर्वांचल के तहत, वो रद्द हो गया है, उसकी जानकारी दी गई है। हालांकि बहराइच दौरे को लेकर अधिकारियों में हड़कंप मचा था, लेकिन अब नगर मजिस्ट्रेट के दौरा रद्द होने की पुष्टि के बाद अधिकारियों की तरफ से राहत की सांस ली गई। देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश में सुशासन और विकास के प्रति प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है और ये उसी का हिस्सा भी है। ये केवल गोरखपुर में नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर विकास के कार्यक्रमों को एक नई गति देने का प्रयास हो रहा है। प्रदेश में सुशासन की स्थापना हो, कानून का राज स्थापित हो, इस दिशा में एक प्रयास हो रहा है। इस वर्ष हम लोगों ने प्रयास किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में 10 लाख गरीबों को आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाए। तो मिशन पूर्वांचल पर हैं योगी आदित्यनाथ, जहां विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें, दोपहर को सिद्धार्थनगर के लिए रवाना होंगे। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने जो भी तमाम योजनाएं चलाई गई हैं उनकी समीक्षा की जा रही है। जायजा लिया हमारे संवाददाता अविनाश सिंह ने। अपने महाराजगंज दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ चैनपुर दलित बस्ती में दलित समुदाय के लोगों के साथ सामूहिक भोज करने वाले हैं। कुछ लोग हैं इस गांव के रहने वाले मेरे साथ। ये बताइए, आप लोग जा रहे हैं? जी। अच्छा, कब बुलावा आया था? 12 बजे टाइम में। अच्छा, 12 बजे। तो क्या गाँव के सभी लोग जा रहे हैं? हाँ, गाँव के सभी, बस्ती, हरजन बस्ती, सब साथ में वर्क खाएंगे, भोजन करेंगे। अच्छा जी, तो क्या मतलब उसमें पुरुष और महिलाएं दोनों हैं या सिर्फ पुरुषों को बुलाया गया है? पुरुष महिलाएं दोनों हैं जी। क्या लगता है कि आने वाले समय में तस्वीर बदलेगी, विकास होगा? विकास बिल्कुल होगा, विकास होगा। हम लोगों को बहुत आशा है कि योगी जी जरूर मेरे वार्ड का विकास करेंगे और नगर पंचायत का विकास होगा। मतलब जो गांव की समस्याएं हैं, जैसे नली, पानी, बिजली, लगता है कि वो दूर हो जाएगी? जी होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा। पूरा विश्वास है, हो रहा है और आगे भी उम्मीद है, उम्मीद से ज्यादा उम्मीद है कि जो कमियां है पूरा होगा। बस्ती है जहां पर अब से कुछ ही देर बाद सीएम योगी पहुंचने वाले हैं और गांव के जो तमाम लोग हैं उनके साथ एक भोजन का कार्यक्रम है और उसमें सीएम योगी सम्मिलित होंगे। हालांकि गांव के लोगों को अब ये उम्मीद है कि सीएम उनके गांव में आ रहे हैं तो जल्द ही जो गांव की समस्याएं हैं वो भी दूर होंगी। कैमरामैन मानस के साथ अविनाश सिंह, समाचार प्लस, महाराजगंज। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ आज पहली बार महाराजगंज के दौरे पर पहुंच रहे हैं। हालांकि महाराजगंज में कई अलग अलग कार्यक्रमों में उनको हिस्सा लेना है। साथ ही में चैनपुर दलित बस्ती में योगी आदित्यनाथ जो दलित समुदाय के लोग हैं उनके साथ सहभोज में हिस्सा लेंगे, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियां चल रही है। मेरे साथ अभिनव है जो की व्यवस्थापक है यहाँ के। अभिनव जी, बताइए कि क्या कुछ कार्यक्रम है यहाँ पर? यहाँ पर आएंगे, मुख्यमंत्री भोजन करेंगे हरजन भाइयों के साथ और यहीं पे कार्यक्रम बगल में जी। तो क्या मतलब कितने लोग शामिल रहेंगे? 140 लोग अभी शामिल रहेंगे, साथ में भोजन करेंगे लोग। दलित बस्ती के ही लोग हैं? सब सारे लोग दलित बस्ती के हैं, बगल के सटे हुए। खाने में क्या कुछ विशेष? ज्यादा है पूरी सब्जी और खीर की व्यवस्था है यहाँ पे, शादी वगैरह की व्यवस्था है। मतलब जो खाते हैं जी 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 वही खाना, पूरी सब्जी खीर की व्यवस्था है। कितने दिन पहले कार्यक्रम बना? अभी तो 4-5 दिन पहले आया था क्लियरेंस की, हम भोजन करेंगे दलित बस्ती में। क्या बस्ती के सभी लोगों को बुलाया गया? सभी लोगों को बुलाया गया, जितने बस्ती के सब जितने लोग हैं सब लोगों को बुलाया गया। तो उसमें मतलब पुरुष और महिलाएं? नहीं, पुरुष केवल बुलाया गया, पुरुष लोगों को बुलाया, महिलाओं को नहीं बुलाया गया। मतलब यहाँ पर सिर्फ भोजन का कार्यक्रम है? भोजन का कार्यक्रम बस, यहाँ पे दलितों के साथ यहाँ भोजन करेंगे। तो ये जगह है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो दलित समुदाय के लोग हैं उनके साथ भोजन करेंगे और इसके लिए यहां पर तैयारियां चल रही है। हालांकि इससे पहले महाराजगंज में वो विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, साथ ही साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे यहां के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ। इसके अलावा कुछ और कार्यक्रम है जिनमें सम्मिलित होना है और उसके बाद यहाँ पहुंचेंगे जहां पर दलित समुदाय के साथ योगी आदित्यनाथ भोजन करेंगे। कैमरामैन मानस के साथ अविनाश सिंह, समाचार प्लस, महाराजगंज। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, 9:30 बजे यूपी सदन या दिल्ली आवास पहुंच सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 9:30 बजे यूपी सदन या दिल्ली आवास पहुंच सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, कल राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी, अमित शाह और केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात संभव है।
कल ही सांसद पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। शाहजहांपुर में सीएम योगी की एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स फेल हो गई। आपको बता दें, विधवा के मकान पर बीएसपी नेता राजकुमार मौर्य ने किया कब्जा। दबंगई के चलते कब्जा कर मकान के ऊपर लगाया बीएसपी का झंडा। 8 महीने से पीड़ित काट रही अधिकारियों के चक्कर। पीड़ित महिला ने आत्महत्या करने की धमकी दी। थाना सदर बाजार के तिलहर जाई का ये मामला है, जहां बीएसपी नेता राजकुमार मौर्य ने एक विधवा की जमीन पर कब्जा जमा लिया है। 8 महीने से लगातार पीड़ित अधिकारियों के चक्कर काट रही है ताकि उसे न्याय मिल सके, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है। यहां तक कि पीड़ित महिला ने अब आत्महत्या की धमकी दे दी है। समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है एलडीए में। समायोजन से करोड़ों के प्लॉट हथियाने वाले बाबू की जांच शुरू। बाबू काशीनाथ राम ने हथियाए 7 करोड़ के प्लॉट। समाचार प्लस ने काशीनाथ राम के सभी प्लॉट्स का खुलासा किया था। हरकत में आए एलडीए बीसी पीएन सिंह ने तलब की फाइलें। बीसी पीएन सिंह खुद करेंगे इस फर्जीवाड़े की जांच। घोटालेबाज बाबू काशीनाथ राम ने गोमती नगर में हड़पे 6 प्लॉट। समाचार प्रस ने काशीनाथ राम के सभी प्लॉट्स का खुलासा किया था, ये हम खबर आपको बता रहे हैं। हरकत में आए एलडीए वीसी पीएन सिंह ने अब इस पूरे मामले की फाइलें तलब कर ली हैं। वीसी पीएन सिंह खुद इस फर्जीवाड़े की जांच करेंगे। और अब बात गोरखपुर की, जहां बड़ी मशक्कत के बाद सीएम से मिल सके विधायक अमन मणि। आपको बता दें, घंटों खड़े रहने के बाद सीएम योगी से मिले विधायक अमन मणि। पहले भी सीएम के साथ अमन मणि के मंच साझा करने पर बवाल मचा था। अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी हैं निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी। परिवार संग सीएम से मिलने गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे तो देखकर सभी चौंक गए। पुलिस ने गेट पर रोका, मिलने की अनुमति है या नहीं पूछे कई सवाल। घंटों इंतजार करने के बाद सीएम योगी से मिल सके अमन मणि त्रिपाठी। मुलाकात को लेकर लगाई जा रही है कई तरह की अटकलें। तो आपको बता दें, एक वाक्य वो था एक कार्यक्रम के दौरान जब अमन मणि त्रिपाठी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंच पर तस्वीर सामने आई थी, उस पर बवाल मचा था। और अब घंटों इंतजार के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल सके अमन मणि त्रिपाठी। बढ़ते आगे, उधर अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। डीएम रामपुर ने चुनाव आयोग को सौंपी है रिपोर्ट। रिपोर्ट में गलत शपथ पत्र और फर्जी पैन कार्ड की पुष्टि। अब्दुल्ला आजम का पैन कार्ड फर्जी, ये रिपोर्ट कहती है। अब्दुल्ला पर गलत तरीके से 2 पैन कार्ड बनाने का आरोप है। समाचार प्लस ने सबसे पहले दिखाई थी खबर। तो जो रिपोर्ट सामने आई इस पूरे मामले की, उसमें गलत शपथ पत्र और फर्जी पैन कार्ड की पुष्टि हुई है। बढ़ सकते हैं अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें। रिपोर्ट कहती है कि अब्दुल्ला आजम का पैन कार्ड फर्जी है। देखिए, ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं जो वहाँ पे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय लखनऊ में, उनके द्वारा श्री आकाश सक्सेना के द्वारा जो वहाँ पे शिकायत की गई है श्री अब्दुल्ला आजम जो माननीय विधायक हैं इस बार के उनके खिलाफ, उनके नॉमिनेशंस में के संबंध में जो शिकायतें की गई थी उसके संबंध में वहाँ से तथ्यात्मक आख्या मांगी गई थी। इस संबंध में एडीएम फाइनेंस को जांच सौंपी गई थी। उन्होंने अपने अभिलेख जो हैं उनका अवलोकन किया, जो तत्कालीन आरओ थे वहाँ पे उनका उनसे उनका पक्ष जाना। उदयपुर में खुशी के लिए दर दर भटक रहे परिजन। 3 अगस्त से लापता है 10वीं क्लास की छात्रा खुशी। ट्यूशन पढ़ने गई थी मगर लौटी नहीं। सहेली पर लगाए छात्रा के अपहरण का आरोप। पहले दोस्ती की फिर दगाबाजी कर किडनैप कराया। शिकायत के बावजूद पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। 2 दिन चक्कर कटवाने के बाद दर्ज की FIR। किडनैपर्स को बिलासपुर के बड़े नेता का संरक्षण मिला हुआ है, ये कहना है परिजनों का। तो अभी तक बच्ची बरामद नहीं हुई है। सहेली पर लगा है छात्रा के अपहरण का आरोप। मेरे पुत्री का नाम खुशबू है, 10वीं क्लास में पढ़ती है। संदीप कौर उसकी सहेली है और वो कोचिंग को जा रही थी, मेरी लड़की को अपहरण करके ले गई वो। और जब मैंने पुलिस में कार्रवाई करी तो पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं सुनी मेरी। इसमें उसके पेरेंट्स की तरफ से एक मुकदमा लिखवाया गया है। लड़की का नाम खुशबू है और बताया जा रहा है कि वो हाई स्कूल की छात्रा है
और इसमें जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और बाकी इसमें आगे जांच पड़ताल की जा रही है। और अब बात स्वाइन फ्लू की। लखनऊ में स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है जिसने स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश के मौसम में स्वाइन फ्लू के मरीजों की लगातार बढ़ रही तादाद से अफसर भी अलकाम है, महकमा परेशान है कि अगर बारिश में स्वाइन फ्लू के इतने ज्यादा मरीज मिल रहे हैं तो फिर सर्दी में क्या हाल होगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों की माने तो सर्दी में स्वाइन फ्लू का वायरस ज्यादा सक्रिय हो जाता है और दवाओं का जल्दी असर भी इस वायरस पर नहीं होता। हालांकि इस वायरस पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें सक्रिय हो चुकी हैं। आपको बता दें अभी तक 246 मरीज स्वाइन फ्लू के मिले हैं जिसमें से 16 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो बारिश के मौसम में स्वाइन फ्लू के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। आपको बता दें 246 मरीज अब तक मिले हैं जिनमें से 16 की मौत हो चुकी है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर बारिश में स्वाइन फ्लू का वायरस लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है तो फिर सर्दियों के दौरान क्या हाल होगा। हमारे अस्पताल में और शहर में भी स्वाइन फ्लू के काफी मरीज आ रहे हैं। तो स्वाइन फ्लू जो है ये खांसी और बातचीत से होने वाली बीमारी है। तो इसमें सबसे पहले जरूरी है कि जब भी मरीज इसका खांसे तो अपने मुंह पर कपड़ा या टिश्यू पेपर का प्रयोग करें और उसको फिर ठीक से डिस्पोज करें। ये बीमारी मुख्यतः सर्दियों की बीमारी है। तो ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में इस बीमारी का प्रकोप बढ़ेगा। अभी फिलहाल हम लोगों को इससे इमीडिएट रिलीफ मिलने की संभावना नहीं है।